हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 25 सितंबर 2020 है और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर दोनों करें। आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा, प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें। कल के वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप लोगों ने नहीं देखा है, मुझे बहुत दुख है इस बात का कि 24th का वीडियो, असल में मैंने इवनिंग में पोस्ट किया था कल वीडियो, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जो डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हुआ था 24th के वीडियो में। तो फिर मैंने 24 सितंबर का वीडियो नाइट में बिफोर 11:30 PM यानी 11:30 से पहले मैंने दोबारा से अपलोड किया। तो इसीलिए शायद कुछ लोगों को पता नहीं चला। मेरी रिक्वेस्ट है कि 24 का भी वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और आज का वीडियो कोई बिल्कुल मत मिस किया करें। ये मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पहला फर्स्ट गौरी लंकेश पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। हाल ही में पहला गौरी लंकेश पुरस्कार किसको मिला है। पहले गौरी लंकेश पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, किसको गौरी पहला गौरी लंकेश पुरस्कार मिला है, तो रवीश कुमार को। जी हाँ, रवीश कुमार को अभी मिला है पहला गौरी लंकेश पुरस्कार। इसको गौरी मेमोरियल ट्रस्ट देता है। गौरी मेमोरियल ट्रस्ट, ये सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता की वजह से दिया जाता है, तो ये पहला गौरी लंकेश पुरस्कार मिला है। और ये पत्रकारिता में यानी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता के कारण ही ये रवीश कुमार को मिला है। अच्छा, रवीश कुमार को एक अवार्ड और मिला था, रमन मैक्सिसी पुरस्कार। कौन सा? तो रमन मैक्सिसी अवार्ड। अब इनको दो मिल चुके हैं, एक तो पहला गौरी लंकेश अवार्ड यानी पुरस्कार और रमन मैक्सिसी अवार्ड या पुरस्कार, ये दोनों मिले हैं रवीश कुमार को। ठीक, याद रखना है आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी या सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी अवार्ड से किस को पुरुष वर्ग में सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के पुरस्कार से किस को पुरुष वर्ग में सम्मानित किया गया है, तो ये है लियोनल मैसी। लियोनल मैसी, देखिए हुआ क्या था कि ये जो फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल अवार्ड्स जो होते हैं ना, फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स या सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल अवार्ड्स फीफा के, ये इनकी अभी घोषणा हुई है। और इसमें फॉर मैन यानी मेंस के में जो जीता है पुरुष वर्ग में, वो किसने जीता है, लियोनल मेसी। किसने जीता? लियोनल मेसी ने। तो फीफा का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल या सर्वश्रेष्ठ क्या सर्वश्रेष्ठ बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स अभी जारी हुए हैं, और इसमें मेंस के लिए जो बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स फॉर मेन है वो किसने जीता है, लियोनल मेसी ने। और महिलाओं के वर्ग में किसने जीता है, तो मैगन रैपिनो। तो मैगन रैपिनो ने ये महिलाओं के वर्ग में जीता है इन्होंने फुटबॉल का बेस्ट अवार्ड यानी फीफा फुटबॉल का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो महिलाओं के लिए है वो किसने जीता है, मैगन रैपिनो ने, और पुरुषों के लिए लियोनल मैसी ने। फीफा की बात करें, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन 1904 में स्थापना हुई। हाँ, स्थापना हुई और हेडक्वार्टर कहाँ है? अच्छा बताएंगे, और हेड कौन है कमेंट बॉक्स में अगर बताएंगे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आप ऐसे भी याद रखेंगे कि लियोनल मेसी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है जो मेंस के लिए है, वो लियोनल मेसी को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार यानी अवार्ड। तो फीफा के सर्वश्रेष्ठ या फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ, फीफा फुटबॉल सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स की यानी पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, तो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का पुरस्कार इनको मिला है। ठीक, और महिलाओं में मैगन रैपिनो को,
मेगान रैपिनो या मेगन रैपिनो, मेगान रैपिनो या मेगन रैपिनो को, ठीक है। ये महिलाओं के, ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है इन्होंने, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल महिला खिलाड़ी, और पुरुष खिलाड़ी का लियोनल मेसी। इसलिए इतना बता रही हूँ कि भूल ना जाए। अच्छा फिर भी सुन लीजिए, ज्ञानी इन्फेंटिनो इसके हेड हैं, और ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, किसका? फीफा का। किसका? फीफा का। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में रॉबर्ट स्किनर वर्ट का निधन हो गया, ये कौन थे? रॉबर्ट स्किनर वर्ट का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये अमेरिका के एक फेमस यानी पॉपुलर एक रिपोर्टर थे, यानी पत्रकार थे, एक प्रेस रिपोर्टर थे, या कहिए पत्रकार थे। तो एक प्रेस से थे, ये पत्रकार थे अमेरिका के, बहुत पॉपुलर थे यानी फेमस थे, क्या नाम है, रॉबर्ट स्किनर वर्ट। और अभी इनकी डेथ हो गई, और साथ ही इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में मालदीव फ्यूचर इंटरनेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? हाल ही में मालदीव फ्यूचर इंटरनेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो मलाविका वानखेड़े ने, मलाविका वानखेड़े, ये इंडिया की एक फेमस शटलर हैं, शटलर शटलर, ये इंडिया की एक फेमस शटलर हैं, और इन शटलर ने, किस क्या नाम है, मलाविका वानखेड़े, और इन्होंने जीती है मालदीव फ्यूचर इंटरनेशनल चैंपियनशिप। क्या नाम है? मलाविका वानखेड़े, वानखेड़े, मलाविका वानखेड़े, वानखेड़े भी कहते हैं लोग, वानखेड़े भी पढ़ते हैं, मलाविका वानखेड़े, ठीक है। मालदीव, इंडिया मालदीव के बीच क्या है? डिवाइडिंग 8 डिग्री चैनल। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ये प्रेसिडेंट हैं, तो इतना आप याद रखिएगा एटलीस्ट। अच्छा ये और ज़रूर याद रखिएगा कि रवीश कुमार को अभी बताया था दो अवार्ड मिले हैं, एक कौन सा, रमन मैक्सिसी मिल चुका है, और ये जो पहला गौरी लंकेश मिला है, ये राष्ट्रीय, पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगर मैंने राष्ट्रीय ना बोला हो तो आप ध्यान रखिएगा, पहला गौरी लंकेश राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है रवीश कुमार को। इसलिए कि एक चीज़ बताती हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने की गुंजाइश ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीती है? हाल ही में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2019 किसने जीत ली है? तो सेबेस्टियन बैटल ने, सेबेस्टियन बैटल। और हमेशा कहती हूँ जब भी ग्रैंड प्रिक्स के क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स के, तो जो जीतता है वो तो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन कंपनी के, वो किस कंपनी के ड्राइवर से, ये ज़रूर पूछ लिया जाता है। तो सेबेस्टियन बैटल, सेबेस्टियन बैटल ये फरारी के ड्राइवर हैं, किसके? फरारी के। तो सिंगापुर की जो 2019 की फॉर्मूला वन का यानी ग्रैंड प्रिक्स जो थी, ये 2019 की ग्रैंड प्रिक्स यानी ग्रैंड प्रिक्स 2019, ग्रैंड प्रिक्स 2019 ये किसने जीत ली है? सेबेस्टियन बैटल ने। किसके ड्राइवर हैं ये? फरारी के। दूसरे नंबर पे कौन रहे हैं? चार्ल्स लेकलर, चार्ल्स लेकलर। तीसरे नंबर पे कौन रहे? मैक्स वेक्सटेपन, मैक्स वेक्सटेपन। और इनका भी मैंने कंपनियों के नाम बताए हैं आपको कि किस कंपनी के ड्राइवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्री ट्रैवलिंग के लिए, मुफ्त में यात्रा के लिए कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को पिंक टिकट जारी करेगी? फ्री ट्रैवलिंग के लिए कौन सी राज्य सरकार, या हाँ ठीक है, कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को पिंक टिकट जारी करेगी? तो दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार DTC बसों में महिलाओं को मुफ्त में, यानी मुफ्त यात्रा के लिए, मुफ्त या एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवल के लिए पिंक कलर के टिकट जारी करेगी। असल में अब लॉकडाउन खुला है और अब बसें चलना शुरू हुई हैं, अब थोड़ा थोड़ा ट्रैक पे आने लगा है मामला, तो अभी जो है पिंक टिकट जारी करेगी। 10 रुपये का टिकट होता है, और इसको लेने के बाद महिलाएं मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट यानी ट्रैवल कर सकती हैं, यात्रा कर सकती हैं DTC बसों में। और इसका जो पेमेंट है ना 10 रुपये का, वो भी दिल्ली सरकार करेगी। तो दिल्ली सरकार ही इस 10 रुपये के, जो पिंक टिकट के
भुगतान मतलब पिंक टिकट का जो धनराशि 10 रुपये, इसका भुगतान करेगी, इसका ये पेमेंट करेगी और महिलाओं को ये पिंक टिकट के सहायता से मुफ्त में यात्रा डीटीसी बसों में करने को मिलेगी, आनंद लें। कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, ये यूनियन टेरिटरी भी है, एक स्टेट का भी दर्जा है, भारत की कैपिटल भी है। तो कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर, अनिल बैजल और ये अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल है कौन, चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली के, ठीक है याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी चाइना ओपन खिताब, चाइना ओपन खिताब 2019 किसने जीत लिया है, जैसे होता है ना इटालियन ओपन के बारे में बताया था आपको, इसी तरह चाइना ओपन 2019 किसने जीत लिया है, तो चाइना ओपन 2019 खिताब ये किसने जीत लिया है, कैरोलिना मारिन ने, कैरोलिना मारिन इन्होंने जीत लिया है चाइना ओपन खिताब 2019, किसने, कैरोलिना मारिन। अब चाइना की बात करें तो आपको मैंने मैंगलीव के बारे में बताया था, हाई स्पीड मैंगलीव याद है ना, जो चाइना की बुलेट ट्रेन से दुगनी तिगनी स्पीड रखती है, बल 800 किलोमीटर घंटे के हिसाब से चलेगी है ना, बुलेट ट्रेन से भी डबल स्पीड है उसकी, तो डबल से भी ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें चाइना के फैक्ट्स तो मैंने आपको बताया, रॉकेट्स, मंगल मिशन सारा कुछ बताया है, तो सारी चीज़ें आप रिवाइज़ कीजिएगा। अब देखिए चाइना की बात है तो चाइना ओपन खिताब 2019 कैरोलिना मारिन ने जीता है। फिलहाल हम ये जान लेते हैं कि चाइना की जो कैपिटल है वो तो बीजिंग है ही, और मैंने आपको बताया था बीजिंग में कौन कौन से बैंक के हेड क्वार्टर हैं, ऐसे लॉजिक लगाए कीजिए जो मैंने आपको बताया था, तो रिवाइज़ कीजिए यार, बीजिंग में किस कौन सा हेड क्वार्टर था, किस बैंक का, और चाइना की करेंसी क्या है, रेन मिनवी। देखिए ऑफिशियल करेंसी रेन मिनवी है, और युआन भी वहाँ पे चलता है, जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग बोलते हैं रुपया पैसा, रुपया पैसा है ना, तो पैसा क्योंकि रुपये से ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्या हाँ कहते हैं जो भी कोई बात चलती है, यार इतना पैसे कहाँ है, इतना पैसा कहाँ है, या कभी कहते हैं कि इतना रुपया कहाँ है, इतने रुपये कहाँ है, तो पैसा टर्म ज़्यादा फेमस है बनिस्बत रुपये के। इसी तरह युआन ज़्यादा फेमस हो गया है, जबकि इंडिया की जो है क्या है INR, यानी इंडियन नेशनल करेंसी क्या है, रुपया, और जबकि पैसा ज़्यादा मतलब रिवाज में है, टर्म में है। इसी तरह ऑफिशियल करेंसी क्या है, रेनमिनवी, इसको PBC, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जारी करता है। और इसी तरह युआन, युआन क्योंकि रेनमिनवी का पार्ट है पैसे की तरह, तो ये भी चाइना का एक बोला जाने वाला जो है रिवायती करेंसी है, जैसे हमारा पैसा चलता है ऐसे इनका रेनमिनवी का पार्ट होता है युआन, बिल्कुल पैसे की तरह। तो ठीक है ये बात, और श्री जिनपिंग, ये जी जिनपिंग ये प्रेसिडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, जस्ट सेकेंड, फेवरावेन के साथ समझौता किया है, किसने ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए फेवरावेन, फेवरावेन या फेवरावेन के साथ समझौता किया है। तो ये एक्चुअली ब्राज़ील की फाइनेंशियल सर्विस कमीशन की एक कंपनी है, यानी वित्तीय सेवा आयोग की कंपनी है फेवरावेन, और ये वित्तीय सेवा आयोग की कंपनी है, ब्राज़ील की है, ठीक है। और ये जो है इसने समझौता की मतलब फेवरावेन के साथ समझौता किया है ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, किसके लिए, ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए, किसने, विप्रो ने। विप्रो एक बहुत फेमस कंपनी है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है, ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है और टेक्निकल कंपनी है, टेक्नोलॉजी में काफ़ी काम करती है। तो विप्रो ने अभी फेवरावीन के साथ एक समझौता किया है ऑनलाइन बिजनेस प्लेटफॉर्म डेवलप करने के लिए। अब ये जो विप्रो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, 1945 में इसकी स्थापना हुई, और इसके CEO कौन है, CEO है क्या नाम है उनका CEO का, तो अबू दाली न्यू मचवाला, अबू दाली या अबी दाली,
अबू दाली है, वैसे अबिदाली भी पढ़ते हैं, अबू दाली भी, तो अबिदाली न्यूमच वाला, अबिदाली 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 क्या, अबिदाली ABI पढ़िए, अबिदाली न्यूमच वाला। और इसके जो चेयरमैन हैं विप्रो के, कौन है, रिशद प्रेम जी, कौन है, रिशद प्रेम जी। तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी नवजात शिशुओं की यानी छोटे बच्चे जो बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी अनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए एक उम्मीद नाम की पहल किसने जारी की है, तो एक उम्मीद नामक पहल ये शुरू की है अभी किसने, हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ये हमारे सेंट्रल फैमिली एंड सेंट्रल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यानी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, क्या नाम है, डॉक्टर हर्षवर्धन। इन्होंने नवजात शिशुओं की अनुवांशिक बीमारियों से निपटने के लिए एक पहल जिसका नाम है उम्मीद, उम्मीद नामक पहल शुरू की है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सेंट पीटर्सबर्ग 2000 सेंट पीटर्सबर्ग ओपन 2019 अभी किसने जीता है, सेंट पीटर्सबर्ग 2019 एक मिनट सेंट पीटर वर्ग ओपन 2019 अभी किसने जीत लिया है, सेंट पीटर्सबर्ग या सेंट पीटर्सबर्ग ओपन 2019 किसने जीत लिया है, तो सेंट पीटर्सबर्ग, ये कहाँ है सेंट पीटर वर्ग्स, तो ये सेंट पीटर वर्ग है रशिया में, कहाँ है सेंट पीटर्स वर्ग, ये रशिया में है, तो सेंट पीटर्स वर्ग 2019 किसने जीत लिया है, तो डेनियल मैथवेदेव ने। आज का करंट अफेयर थोड़ा टफ है, ठीक है, देखिए सेंट पीटर्स वर्ग ये रशिया में है और सेंट पीटर्स वर्ग 2019 अभी किसने जीत लिया है, यानी ओपन लगाएंगे बीच में, सेंट पीटर्स वर्ग ओपन 2019 क्या, सेंट पीटर्स वर्ग ओपन 2019 किसने जीत लिया है, तो डेनियल मैथवेदेव ने। ये टेनिस प्लेयर हैं, ये फेमस टेनिस प्लेयर हैं, बहुत फेमस हैं डेनियल मैथवेदेव, और इन्होंने सेंट पीटर्स वर्ग ओपन 2019 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी इंडिया टूरिज्म मार्ट का अभी शुभारंभ कहाँ किया, यानी आयोजन इंडिया टूरिज्म मार्ट के आयोजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, हाल ही में इंडिया टूरिज्म मार्ट के आयोजन का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली में। ये जो हमारे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन या सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, क्या नाम है, नितिन गडकरी, ये हमारे सेंट्रल यानी केंद्रीय सड़क परिवहन है ना, समझ गए, ट्रांसपोर्टेशन एवं राजमार्ग मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम के नितिन गडकरी। इन्होंने ही इस इंडिया टूरिज्म मार्ट, क्या, इंडिया टूरिज्म मार्ट का शुभारंभ यानी इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, इसका शुभारंभ किया है, तो किसने किया है, नितिन गडकरी, ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, है ना, और केंद्रीय, याद रखिएगा, सेंट्रल। और दूसरी बात ये कि नई दिल्ली में किया है इन्होंने शुभारंभ, ये भी याद रखिएगा। इसमें एक फैक्ट और याद रखिए, 51 कंट्रीज़ के 240 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने, मतलब लीडर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो 51 देशों के 240 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया है, किसमें, इंडिया टूरिज्म मार्ट, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है, और किसने शुभारंभ किया, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी ने, ठीक है, समझ में आ गई बात। एक लास्ट क्वेश्चन और बच रहा है आपका, ये भी लेती हूँ अभी, और लास्ट क्वेश्चन ये है, भारत का सबसे बड़ा दूसरा रेलवे ओवरब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो अभी पश्चिम बंगाल में बनाया गया है दूसरा रेलवे ओवरब्रिज, यानी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट या सेकंड
लार्जेस्ट रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में। अब ये वेस्ट बंगाल में कहाँ बना है, तो वर्धनाओ जंक्शन पे। वर्धनाओ जंक्शन वेस्ट बंगाल में ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया है। अब ये दूसरा भारत का सबसे बड़ा रेलवे ओवरब्रिज बना है पश्चिम बंगाल के वर्धनाओ जंक्शन पर। तो पहला कहाँ बना है, तो पहला चिनाब रिवर पर बना है, और चिनाब रिवर पर बना है ये रेलवे, पहला भारत का रेलवे ओवरब्रिज। तो ये कहाँ है, ये जम्मू एंड कश्मीर में। देखिए भारत का पहला रेलवे ओवरब्रिज, अब पहले नंबर का फर्स्ट यानी लार्जेस्ट यानी हाईएस्ट कहा जाए, लार्जेस्ट या हाईएस्ट रेलवे, लार्जेस्ट कहा जाएगा, फर्स्ट लार्जेस्ट रेलवे ओवरब्रिज ऑफ इंडिया कहाँ बनाया गया है, तो चिनाब रिवर पर, और कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। और सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे ओवरब्रिज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा दूसरा रेलवे ओवरब्रिज कहाँ बना है, पश्चिम बंगाल के वर्धनाओ जंक्शन पर, ये आपको याद रखना है। अब वेस्ट बंगाल की बात है जी, कोलकाता कैपिटल है और हुगली नदी के तट पर है, ये भी पूछ लिया जाता है। जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर कौन है, ममता बनर्जी। कौन कौन से ऐप आए थे पश्चिम बंगाल में, एक आया था डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए सेल्फ स्कैन, और एक आया था एग्जिट, है ना, ये आए थे, और एग्जिट और सेल्फ स्कैन, और इसके अलावा और भी आए थे। और सुनिए कौन कौन सी योजनाएं, एक स्नेहर पुरुष, और एक है मातृ समष्टि, है ना, मातृ समष्टि योजना, स्नेहर पुरुष योजना, और ठीक है ये तो योजना और दो ऐप तो याद ही रखी है, अभी और बहुत सारे बताए मैंने आपको, रिवाइज कीजिए। सुंदरवन और बुक्सा ये नेशनल पार्क हैं, और जलतपारा और एक कौन सी महानंदा, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखिए, महानंदा और जलतपारा। तो ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, कैसा लगा आपको सेशन ज़रूर बताएं मुझे, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।